लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भले ही नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के तर्ज पर पैनल में परिवारवाद का असर दिखाई दे सकता है। पार्टी के करीब एक दर्जन ऐसे नेताओं के नाम पैनल में हैं जिनके परिजन और रिश्तेदार राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पार्टी काम को कम और नाम को ज्यादा तवज्जो दे रही है। लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस में टिकट बंटवारे में परिवारवाद और वंशवाद हावी दिख रहा है। प्रियंका गांधी के महासचिव बनाए जाने पर भी परिवारवाद पर इस तरह के सवाल उठे थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में परिवारवाद सिर्फ टॉप लीडरशिप में ही हावी रहा हो, प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर भी भयानक परिवारवाद दिखता है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस ने एक दर्जन अपने बेटे, बेटी और रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। जिला प्रभारियों की रिपोर्ट और फीडबैक कार्यक्रम में मंत्रियों और विधायकों के बेटे, बेटियों और रिश्तेदारों के नाम दावेदारों के तौर पर सामने आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जिन नेताओं के बेटे, बेटी और रिश्तेदार टिकट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर से, महेश जोशी मुख्य सचेतक के बेटे रोहित जोशी जयपुर सीट से, मंत्री परसादी लाल मीणा के बेटे कमल मीणा को दौसा से लड़ाना चाहते हैं, मंत्री प्रमोद जैन भाया अपनी पत्नी उर्मिला जैन के लिए झालावाड़ 12 से टिकट चाहते हैं, मंत्री शांति धारीवाल अपनी पुत्र वधु एकता धारीवाल के लिए कोटा बूंदी से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, विधायक दीपेंद्र सिंह अपने बेटे बालेंदु सिंह को राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से लड़ाना चाहते हैं, विधायक मुरारी लाल मीणा पत्नी सविता मीणा को दौसा से टिकट दिलाना चाहते हैं, विधायक ब्रजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला ओला झुंझुनू से दावेदारी ठोक रही हैं, तो विधायक राजकुमार शर्मा के भाई राजपाल शर्मा जयपुर से टिकट चाहते हैं। वहीं हरेंद्र मिर्धा अपने बेटे राघवेंद्र मिर्धा को नागौर से उतारना चाहते हैं, तो वहीं खेमराज कटारा अपने बेटे विवेक कटारा को उदयपुर सीट से लड़ाना चाहते हैं, और तो और जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। अपने बेटे बेटियों की लोकसभा के टिकट के लिए दिल्ली तक फील्डिंग करने वालों में कई तो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और कई विधायक भी हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी जालोर, सिरोही से लोकसभा टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी पार्टी में परिवारवाद के आरोपों को खारिज करते हैं। टिकट मांगना सबका हक है, कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो अगर वह उस बलबूते टिकट मांगता है तो ये तो हक है, इसमें परिवारवाद कहां आता है। और अंतिम फैसला तो आला कमान को करना है, आला कमान सब फैक्टर देखता है, उसका काम देखता है, क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी राय जानता है, उसके बाद ही उम्मीदवारी का फैसला होता है। विधानसभा चुनाव में ऐसे कई परिजन और रिश्तेदार चुनाव जीते थे जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड था। इस बार भी नेता इस बात पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि उनके करीबियों को टिकट के लिए तरजीह मिले ताकि सियासत में उनकी धाक बनी रहे। लेकिन वंशवाद की वजह से नए चेहरों और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी होना